नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम शुभ राशि। आज है सोमवार और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आचार्य दीपा शर्मा। जल्दी से राशिफल की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज व्यापार में कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है। आज आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आज माता की तबीयत जो पिछले दिनों से खराब चल रही थी उसमें सुधार होता दिखाई दे रहा है। वृष राशि, हाथ पैरों में आज कुछ दर्द महसूस कर सकते हैं। घर में अचानक बहुत सारे मेहमान आ जा सकते हैं, साथ ही घर में चिक चिक का माहौल हो सकता है, लेकिन परेशान ना हो। मिथुन राशि, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद आज खत्म होगा। साथ ही हनुमान मंदिर आज जाना बिल्कुल भी ना भूले। भगवान का आशीर्वाद लेंगे तो जीवन साथी के साथ रिश्तों को मीठा बनाएंगे तो आज का दिन काफी अच्छा हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए, अगर आप लोहे के व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आज आपको कोई बड़ा सौदा तय हो सकता है। आज के दिन आपको हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करना है। सिंह राशि वालों के लिए, थोड़ी देर चुप रहें यानी मौन व्रत आज रखेंगे तो कोई भी कार्य आज आपका अच्छा होगा। साथ ही पिता की सलाह लेकर आज काम करें। आज घर की स्त्री को कोई उपहार देते हैं तो दिन आपका बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि वालों के लिए, सरकारी नौकरी लग सकती है। छात्रों के लिए काफी अच्छा समय है। आज थोड़ी देर अगर योगा मेडिटेशन करेंगे तो दिन में 4 चांद लग जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए, सर में दर्द होगा। घर में किसी बात पर लंबा विवाद चल सकता है तो उसको रोकना आपके हाथ में है। खुद के क्रोध को नियंत्रित रखने की आज बहुत जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, आज किसी विवाद में ना उलझे, किसी के भी झगड़े में आज पैर ना फंसाएं। भूमि वाहन से आज लाभ की उम्मीदें पूरी बनी है। कुछ जमीन खरीदने का या कोई घर खरीदने का प्रोग्राम आज के दिन बना सकते हैं। धनुराशि वालों के लिए, अचानक से धन प्राप्ति होगी लेकिन किसी को पैसा आज उधार ना दें। भाग्य आज आपका भरपूर साथ देगा। मकर राशि वालों के लिए, आज अचानक कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा शुभ रहेगी। नौकरी या व्यापार में नीचे काम करने वालों को आज सम्मान देना बहुत जरूरी होगा। कुंभ राशि वालों के लिए, माता पक्ष से आज मिलेगी कोई खुशखबरी। साथ ही पेट में कुछ दर्द महसूस कर सकते हैं आज के दिन। घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो दिन काफी बेहतर रहेगा। मीन राशि वालों के लिए, मन की बात मन में रखें, अन्यथा आज कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। तो इससे अच्छा होगा कि अपनी चीजें अपने तक सीमित रखें। मन थोड़ा सा आज विचलित, परेशान और बेचैन रह सकता है। मेडिटेशन का सहारा लें। ये था राशिफल 12 राशियों का और कल फिर आपसे मुलाकात करूंगी नए दिन, नई एनर्जी और नई राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय माता की।